24x7 लाइव टीवी आपके साथ में हूँ प्रतीक्षा वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर बनकर इतिहास रचने वाले सुजीत पांडे ने कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली देश के लिए एक बड़ा बदलाव है। सरकार ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सुजीत पांडे ने कहा है कि उनकी और उनकी टीम की पूरी कोशिश होगी कि नागरिक केंद्रित सेवाओं में और सुधार किया जाए। यूपी 112 यूपी कॉप ऐप जैसी जन सुविधाओं को और बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सब के लिए उन्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, इससे चुनौतियां बढ़ जाती हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जो अधिकार उन्हें मिल रहे हैं उनका हम निष्पक्ष रूप से सोच समझ कर सदुपयोग करेंगे। हम सबका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि इससे आमजन को कितना फायदा हो, यही शासन की मंशा भी है। वही अगली खबर है, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का आज 64वां जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाने का आह्वान किया। मायावती ने जन्मदिन के बहाने बीजेपी पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। मायावती ने कहा है कि मोदी राज में अर्थव्यवस्था की बीमार हालत है। मायावती ने कहा कि 130 करोड़ लोगों के सामने रोजाना रोजी रोटी का संकट हो रहा है। देश भर में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है। मायावती ने कहा कि इस वजह से आम जनता का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। केंद्र की नीतियां पूरी तरह से गलत हैं। इस वक्त गरीबी, अशिक्षा और तनाव का माहौल है। मायावती ने कहा कि भाजपा की इन्हीं कामियों के चलते कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है। बहुजन समाज पार्टी इन हालातों को लेकर काफी चिंतित है। मायावती ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून विभाजनकारी और संविधान विरोधी है। इस कानून को मुस्लिमों को छोड़कर बाकी धर्मों को लागू करना ठीक नहीं है। पाकिस्तान में भारत से गए मुसलमानों से भी ज्यादती हो सकती है, उन्हें इससे अलग रखना ठीक नहीं है। वही सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि हमारी सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आतंक का जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत विकल्प हैं और आतंक के प्रति हमारी नीति हमेशा से जीरो टॉलरेंस की रही है। नरवणे ने कहा कि सेना प्रमुख होने के नाते मुझे अपने जवानों की योग्यता पर नाज है। हमारी सैनिक भले ही मुश्किल इलाकों में तैनात है पर वह हमेशा देशवासियों के दिल में रहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने आज सेना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि आज 72वां सेना दिवस है और सेना कमान मुख्यालय के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के हवाले से भारतीय सेना ने ट्वीट कर इंडियन आर्मी के सभी सैनिकों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। 72वें सेना दिवस पर देश भर में सेना परेड के कौशल के साथ साथ अपने महत्वपूर्ण हथियारों का भी प्रदर्शन किया। वही अगली खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बिहार में बड़े जनाधार वाली राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी न केवल दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया बल्कि अपनी पार्टी के 15 उम्मीदवारों के नाम तक घोषित कर दिए। दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भागीदारी लोक जनशक्ति पार्टी ने दिल्ली में अलग राह पकड़ी है। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इससे पहले LJP ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था। मिली जानकारी के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन में शामिल न किए जाने से नाराज है, इसलिए उसने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रभारी काली पांडे ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। साथ ही कहा कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएगी। वही खबर आ रही है, भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की बहस लिंगायत धर्मगुरु स्वामी वाचानंद के साथ मंच पर हो गई। इस दौरान कैबिनेट विवाद के मुद्दे पर दोनों के बीच बहस हुई। येदियुरप्पा इस मुद्दे पर इतना भड़क गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि वह सत्ता के आदी नहीं है और तुरंत पद छोड़ने के लिए तैयार है।
बता दें कि बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर लिंगायत समाज के संत स्वामी वचनानंद भी मौजूद थे। स्वामी वचनानंद ने लिंगायत समुदाय से आने वाले भाजपा नेता मुरुगेश निरानी को मंत्री बनाने की मांग भाषण के दौरान कही। स्वामी जी की बात सुनकर येदियुरप्पा काफी नाराज हो गए। हालांकि इसके बाद अपने भाषण में येदियुरप्पा ने कहा, उपचुनाव के बाद नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करता तो कर्नाटक में भाजपा की सरकार बननी मुश्किल थी, इसलिए कुछ भाजपा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना मुमकिन नहीं है। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।